अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़र और आज गुफ्तगू का उनवान है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछे गए 25 सवालों में से सवाल नंबर 4। सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। जवाब में मेरे आका ने फरमाया, दूसरों को नफ़ा पहुँचाओ, अच्छे इंसान बन जाओगे। नफ़ा का मतलब है फ़ायदा देना, और फ़ायदा दो तरह का होता है, एक माली और एक अमली तौर पर। हम देखते हैं माली को, जब हम माली तौर पर किसी की हेल्प करते हैं, किसी को फ़ायदा देते हैं। एक है नफ़ा जो आप अपने बिजनेस में कमाते हैं, वो तो सुभान अल्लाह आपकी मेहनत है, वो आप कमा रहे हैं, क्या बात है उसकी। एक है दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, अपनी माली तौर पर कि दूसरों को हेल्प करना। जैसा कि आज का रमज़ान चल रहा है, तो राशन की किसी को ज़रूरत है तो वो अता कर देना, ज़कात के पैसे हैं हकदार को अदा करना, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। किसी को सही तरीके से हकदार को फ़ायदा देना, दूसरों की हेल्प करना। एक है अपने तो तई बात करना, मतलब एक ऐसा दोस्त जिसको आप दें वो आपको दे और लेन देन चलता रहे, ये तो एक अलहदा बात है जी। इसमें शख्सियत परस्ती हो सकती है, शख्सियत अच्छी नहीं हो सकती। तो एक है ज़रूरतमंद को, हकदार को उसका फ़ायदा देना, हकदार को उसके मुश्किल वक्त में काम आना। यही वो चीज़ें हैं जिससे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि तुम अच्छे हो जाओगे। जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को राशन डाल के देते हैं, किसी की ज़रूरत में काम आते हैं, किसी को मतलब बीमारी में कोई पैसे चाहिए तो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, अगर किसी को राशन चाहिए आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, अगर किसी ने कहीं जाना है उसके पास पैसे नहीं है आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, और या किसी भी ऐसा मामला जहां उसको माली तौर पर ज़रूरत थी पैसों की, आपने वो पैसों से पूरी कर दी, तो इंशाल्लाह वो आपके जो शख्सियत में एक बंदे की आपने मदद की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सामने आप अच्छे हो गए, ऐसा नहीं है। बल्कि होगा यूँ कि जब आप एक बंदे की मदद करेंगे तो वो इंशाल्लाह जहाँ भी जाएगा आपको दुआओं से नवाजेगा। जब आपको दुआ मिलती रहेगी तो ये आपकी शख्सियत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, और इंशाल्लाह एक दर्जा ब दर्जा दुआएं जो होती हैं ये इंसान के आला दर्जा करती जाती हैं। क्योंकि जब आप किसी से दुआएं लेते हैं तो वो मुखलिस होती हैं। आप अपने लिए दुआ करते हैं ना, तो यकीनी तौर पर इसमें एक मतलब है कि जी आप को तरक्की मिले, आपको ये फ़ायदा मिले, इसमें कोई शक नहीं, गलत नहीं है। लेकिन जब कोई दूसरी ज़ुबान, दूसरा शख्स आपके लिए दुआएं करता है, दिल से दुआ करता है, तो वो मुखलिस होता है, बिल्कुल मुखलिस होता है। और वो दिल से दुआ जो निकलती है मुखलिस होकर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल भी बड़ी मोहब्बत से करता है, क्योंकि मुखलिसी के साथ जो दुआएं होती हैं अल्लाह उनको पसंद करता है। तो यही वजह है कि जब इंसान एक बंदे की भी हेल्प करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस एक बंदे को सिर्फ सामने आपको अच्छा नहीं करेगा, बल्कि उस शख्स एक बंदे की वजह से आपका जो मकाम बढ़ता चला जाएगा, ये आपको इंशाल्लाह मुआशरे में मशहूर कर देगा। होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग इस ज़माने में गुजरे हैं, बड़े बड़े मशहूर उनके नाम हैं, मैं अभी एक सादा सा नाम लेता हूँ, ईदी साहब। उन्होंने एक ऐसी हेल्प की है कि अब सारी दुनिया के तो नहीं मरीज़ उन्होंने उठाए। अब आप भी गौर करिएगा जो सुनने वाले हैं, कि कई, मेरा ख्याल है कि दर्जनों के दर्जनों लोग अगर सुन रहे हैं तो फिर उनमें भी कोई कोई ईदी के काम आया होगा या ईदी उनके काम आया होगा, लेकिन आज भी हम ईदी के नाम को अच्छे लफ्ज़ों से जानते हैं। वे एक शख्स की बात करो, बहुत सारी मिसालें ऐसी दी जा सकती हैं, लेकिन मैंने एक बंदे की बात की है जिसने ऐसा किया कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाया और आज अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त से भी नवाजा। हमारा फ़ायदा नहीं भी किया, कई दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी उसकी सर्विस से कभी फ़ायदा नहीं लिया होगा, लेकिन फिर भी वो उसे अच्छा इंसान कहते हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये अल्लाह ने दिलों में डाल देता है, अल्लाह इंसानों के दिलों में डाल देता है कि ये इंसानियत की खिदमत करने वाला है। सुनो, ये इंसान को आवाज़ जो होती है ना, ये ज़मीर की होती है, इसलिए इंसान जो ज़मीर से अच्छा किसी को समझता है तो फिर ही अच्छा होता है। मुंह पे तो सारे कह लेते हैं, बदमाश सामने आ जाए, कोई इलाके का गुंडा सामने आ जाए तो कोई उसके मुंह पे गाली थोड़ी देता है, पीठ पीछे ही बातें करते हैं ना। और पीठ पीछे जिसको अच्छा कहा जाए वो असल अच्छा होता है। तो वो जो पीठ पीछे अच्छाई है ये अल्लाह की वजह से होती है, अल्लाह की मेहरबानी की वजह से होती है। तो वो जो अल्लाह की मेहरबानी है, ये आप जो छुप कर किसी की मदद करते हैं या किसी एक शख्स की मदद करते हैं, तो वो जब दुआएं देता है तो उसके बदले में जो अल्लाह आपको तोहफे में देता है वो आपकी इज्जतें होती हैं, इसी से आपके अच्छे बनते हैं। तो माली तौर पर तो ये हो गया, माली तौर पर किसी को राशन दे रहे हैं, किसी की हॉस्पिटल जाते हुए मदद कर रहे हैं, कई मददें की जा सकती हैं माली, ये तो आम फहम बात है, सबको पता है माली तौर पर किसी भी चीज़ की मदद की जा सकती है। लेकिन एक है अमली तौर पर मदद करना, जिसमें किसी को रास्ता नहीं पता तो आपने पैसे नहीं दिए उसको रास्ते के, बल्कि उसको अच्छी बात कही, अच्छा रास्ता अच्छे तरीके से समझा दिया कि यार इधर से जाओ इस तरह, उधर से नहीं इस तरह। तो ये जो आपने अच्छा किया ये भी आपकी शख्सियत में फ़र्क डालता है, आपको अच्छा बनाता है।
वो जैसे ही वो मुसाफिर जो आपसे रास्ता पूछ रहा था, जैसे अपनी मंजिल पे पहुंचेगा, कभी ना कभी दिल से ज़रूर दुआ निकलेगी, यार वो शख्स ने बड़ा अच्छा रास्ता समझाया हमें, बड़े तरतीब से समझाया और बड़े आसन अखलाक से समझाया। एक है अपना रास्ता नेकी करते भी हैं और उसका जो मिठास होती है, उसका जो वज़न होता है वो बड़ा हल्का होता है। मिसाल के तौर पर कभी किसी ने रास्ता पूछा, उसने बड़े बुरे से मुँह से कहा, यार इधर न जाए, इधर में चला जाए तो गल मुक गई, ऐसा भी है। लेकिन एक तरीका ये है, आप उसके अखलाकी तौर पर जी कहाँ कैसे इधर को और इधर को फिर इस तरह चले जाएँ, तो यकीन जाने सुनने समझने में शायद इसकी कोई वज़न ना हो, लेकिन जो अल्लाह के नज़दीक इसका जो मकाम बनता है ना, आपकी जो हेल्प है, इसके बदले में आपकी शख्सियत में बेहतरी आती है। वही बात जो मैंने पहले की कि बेहतरी अल्लाह जब दिलों में बिठाना शुरू करता है तो फिर हशरात को भी समझ आ जाती है कि ये अल्लाह का नेक बंदा है, ये अल्लाह के नेक बंदों की मदद करता है, इसकी इज्जत करनी है। इसी तरीक़े से जब अमली मदद है, इसमें कई तरह की मददें आ जाती हैं। इसमें एक मिसाल मैं देना चाहूँगा, एक हम महफिल करवाने लगे, दीनी महफिल थी, तो उसमें तमाम दोस्तों ने कुछ जो अपनी जेब में था वो अपने हिसाब से अपने जेब के मुताबिक सब ने ऐड किया। एक दोस्त ऐसा था जो माली तौर पर कमज़ोर था, तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम चलाया हुआ है, किसी को ऊपर, किसी को नीचे, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को पूरा दिया हुआ है और किसी को बस पूरा पूरा ही रखा हुआ है। तो वो बंदा थोड़ा कमज़ोर था, उसने एक बड़ी खूबसूरत बात, उसने कहा, यार पैसे मेरे पास नहीं है, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिज़िकली तौर पर मैं फ़लाँ ड्यूटी निभा लूँगा। जो फ़लाँ ड्यूटी उसने निभाई वो 3,000 रुपये की एक ड्यूटी थी जो हमने बंदे को देकर वो ड्यूटी निभवानी थी। उसने जब ये ड्यूटी ले ली, खुद ड्यूटी दी, उसने वहाँ पे खड़े होकर फिज़िकली अपनी जान से सारा दिन बेचारा वो लगा रहा, वो 3,000 रुपये की जो ड्यूटी दी, उसका 3,000 ऐड नहीं हुआ पैसों में, वो अक्सर नज़र नहीं आते लोगों को। लेकिन जो कंधा किसी के साथ देकर, उसकी कीमत कोई नहीं होती, याद रखिएगा, लेकिन वो मदद बड़ी आला होती है। मुझे पता है कि मैं, मेरे सामने उस बंदे की क्या इज्जत है कि यार उसने बड़ी जिम्मेदारी निभाई है अपनी, और अगर 3,000 दे के भी हमें यही परेशानी लगी रहनी थी कि यार वो बंदा जो रखा हुआ वो चोरी ना कर ले, और उसने वो बड़ी खूबसूरत से मुखलिस होकर वो ड्यूटी भी दी, हमारा नुकसान भी बच गया, हमारे ज़हनी भी सुकून भी हो गया। तो इस तरह भी आप हेल्प कर सकते हैं किसी की। अगर किसी की बेटी की शादी है तो आपके पास पैसे नहीं हैं, दुआएँ तो दें, आप किसी के साथ अच्छी दुआ तो दें, किसी का दिल तो मत तोड़ें। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छा इंसान बनाती हैं। आपके पास मान लीजिए पैसे नहीं हैं, मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी चीज़ें देने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इल्म है, अच्छा किसी के पास मशवरा है, वो भी आप देंगे तो अल्लाह आपकी शख्सियत में फ़र्क करेगा, अल्लाह आपकी शख्सियत में बेहतरी लाएगा। अगर आपके पास बहुत सारा कोई देने के लिए नहीं है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ना कोई हदीस पेश कर दिया करें, इससे भी शख्सियत में बंदा अल्लाह ताला बेहतरी कर देता है। याद रखिएगा, एक मौलवी सा या आलम दीन जो सही सनद याफ्ता आलम दीन है, वो भी अगर अल्लाह की बातें करते हैं तो वो कोई पैसे नहीं देते किसी को, इसके बदले में हम उनकी इज्जतें करते हैं, हाथ चूमते हैं उनकी। ज़रा गौर तो करिएगा, हम उनसे क्या लेते हैं जिनके बदले में हम हाथ चूमते हैं? यही कि वो अल्लाह की बात बताते हैं, यानी दिल को नफ़ा पहुँचाते हैं, यानी सुकून देते हैं, यानी इल्म देते हैं, यानी वो बात बताते हैं जो हमें नहीं पता थी। वो पढ़कर, किताबों से पढ़कर हमें बताते हैं अपनी ज़ुबान से, और जब वो बता देते हैं फिर हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये शख्सियत कमाल है, हालांकि उसने तो किताब की बात की है, उसने तो हदीस की बात की है। हदीस को चूमे ना, हाथों को क्यों चूमते हैं उलमा की? इसलिए हम चूमते हैं, इसलिए हम उनको सर का ताज कहते हैं, इसलिए हम उनकी इज्जतें करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमारे दिल में, हमारे ज़मीर में ये बिठा देता है कि ये जो तुम्हारा नफ़ा कर रहा है, इसने जो आपको दो चार हदीसें सुनाई हैं, दो चार अच्छी बातें बताई हैं, इसके बदले में जो हमारे ज़मीर में से मोहब्बत की आवाज़ उठती है, इसके बदले में हम उनकी इज्जत करते हैं। और यही दलील है कि जब आप किसी को फ़ायदा और नफ़ा पहुँचाते हैं तो आप अच्छे इंसान बनते हैं। हमें अब इस सवाल और जवाब से ये फ़ायदा और ये सबक मिला कि याद रखिएगा, बुरा मशवरा, बुरी चीज़, बुरा नुकसान किसी का, ये आपकी शख्सियत को नाकस करता है, चाहे आपको नज़र आए या ना आए, नाकस होता चला जाता है। और अच्छी चीज़, अच्छी बात, अच्छा मशवरा, अच्छा फ़ायदा किसी को देना, ये आपकी शख्सियत को बुलंद करता है। और याद रखिएगा, ये ज़ाहरी चीज़ों पर कभी भी आपने नहीं देखना कि ये अच्छा और ये बुरा, बल्कि याद रखें, अल्लाह की मोहब्बत को सामने रखते हुए अच्छे काम करने हैं। ये नहीं देखना कि अब कोई ज़माना देख रहा है तो मुझे अच्छा समझेगा, ये आपने नहीं देखना। जैसे ही आप मुखलिस होकर दूसरों की हेल्प करेंगे, वो छुप कर भी होगी ना, तो इंशाल्लाह
वो ज़रूर एलानिया इज़्ज़त आपकी बनेगी, क्योंकि ये मेरा मानना। कोई जब इंसानों से मोहब्बत करता है, उसे फ़ायदा देता है, तो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, ये मेरा मानना है। और जब अल्लाह किसी से मोहब्बत है तो वो जबरील को ऐलान करता है कि जबरील फ़लाँ बिन फ़लाँ से मैं मोहब्बत करता हूँ। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों से ये हुक्म करते हैं कि अल्लाह फ़लाँ बिन फ़लाँ से मोहब्बत करता है, सुन लो मैं भी फ़लाँ बिन फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, तो सब फरिश्ते भी उनसे मोहब्बत करते हैं। और जब इतनी ज़्यादा मोहब्बतें मिल रही होती हैं ना, तो ये पढ़ी लिखी बात है। मैंने पहले भी कहा, ये ऐसे ऐसे लफ्ज़ पहले भी कहता हूँगा और सारी शायद ये हर वीडियो का हिस्सा बने, कि याद रखिएगा फिर कि जब सारी मोहब्बतें होंगी तो फिर इंसान मजबूर होगा कि भी वो सामने वाले की मोहब्बत से, सामने वाले की इज़्ज़त बढ़ाए, सामने वाले के हाथ चूमे। यूं ही इस तरह इज़्ज़तें बढ़ती हैं। और अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो अच्छे कामों की कोशिश करना शुरू कर दें। यही आज इंशाल्लाह ताला इस सवाल से, इस जवाब से हमें सबक मिला कि अच्छे कामों से लोगों को फ़ायदा होता है, और जिन जब को किसी को फ़ायदा होता है तो आप अच्छे इंसान खुद भी बन जाते हैं, दूसरे भी आपको अच्छा समझते हैं। तो इसी चीज़ के साथ मैं भी नियत करूँगा कि इंशाल्लाह आज से हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे काम करें, लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, अच्छी कम अज़ कम बात अच्छी करें, कम अज़ कम अपना अखलाक अच्छा रखें, दूसरों को कम अज़ कम ज़रूर फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे, कम अज़ कम फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा हो तो सुभान अल्लाह, कम अज़ कम फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह ताला हमें इसमें इस्तक़ामत अता फरमाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।